आइसोमेरिज्म ऑफ अमाइन पर रुकिए जरा। उससे पहले हम बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म पर। जनरली आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन कैसे होंगे तभी तो आप पहुंच पाएंगे कहाँ पर, आइसोमेरिज्म ऑफ अमाइन पर। तो देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। देखो अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म में हमें डेफिनेशन की अगर बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, तो हमें कहने को और लिखने को और पढ़ने को मिलता है क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ एटम इन ए स्पेस। बट इस डेफिनेशन को अगर हम ऐसे बोलें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम इन ए स्पेस, ये सबसे बेस्ट रहेगी अपने लिए। तो देखिए अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें क्लासिफिकेशन में टू टाइप से मिलेगा, एक मिलेगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक मिलेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पर जरा रुकिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम और किस नाम से पुकार सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो पहले हम ले लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप देखोगे तो इसके कनेक्टिव, इसके जो क्लासिफिकेशन है वो कौन कौन से होंगे। इसमें फर्स्ट में अपने पास आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है पोजिशन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो आपको इस तरह के जो है क्लासिफिकेशंस मिलेंगे। उधर बात कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमें मिलेगा टू टाइप्स का, कौन सा, कॉन्फिग्रेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फ्यूजन नहीं होना है, हमें क्या मिला है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में टू टाइप्स का होगा, एक होगा कॉन्फिग्रेशनल एक कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की आपने देखा होगा, इथेन को हम रोटेट करते हैं तो अपने पास अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म मिलते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पर स्टेगर्ड वगैरह जो नेम सुने होंगे, एक्लिप्स, स्टेगर्ड, ये आते हैं इसके अंदर। दूसरी बात करते हैं कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म में आपके पास टू टाइप्स के, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल में एनांचियोमर, डाइस्टीरियोमर वगैरह आते हैं, और अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल तो ई जेड वगैरह, सिस्ट्रांस वगैरह, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अब आ जाइए आइसोमेरिज्म ऑफ अमाइन। तो आइसोमेरिज्म ऑफ अमाइन में हमारे पास मिलता है पहला क्या, चेन आइसोमर। क्यों मिलता है, चेन आइसोमर। दूसरी बात करें तो चेन आइसोमर, जरा चेन आइसोमर को देखो तो क्या होगा, CH3, CH2, CH2, NH2, ये हो गया। इसका चेन आइसोमर क्या हो जाएगा, इसका चेन आइसोमर हो जाएगा CH CH3 NH2। देखो जा इसे, इसकी बजाय से चेन आइसोमर भी होगा लेकिन दूसरा एक और बन जाएगा। इसकी बजाय मैं कैसे करता हूँ देखना, थोड़ी चेन को बड़ी कर लेते हैं, चेन को बड़ी, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे वो है उसका, लेकिन आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा और उसकी वजह से हमें एक और टाइप का क्या मिल जाएगा आइसोमेरिज्म। नंबर ऑफ कार्बन देखिए जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इसे देखोगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कैसे लगा देना है, ऐसे लगा देना है, और ये हो गया ऐसे। तो ये आपके पास क्या हो गया, क्या हो गया, ये चेन आइसोमर, क्योंकि इसकी डिफरेंट चेन हो गई। चेन कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई, इसमें कैसी स्ट्रेट, इसमें कैसी ब्रांच। लेकिन फिर भी देखो मैंने इसलिए नहीं लिया था अभी वो एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ देखोगे तो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ठीक है। अब देखो, देखो जरा देखो, एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब दूसरा आता है अपने पास कौन, चेन आइसोमर हो गया, तो दूसरा आइसोमर आता है अपने पास पोजिशन आइसोमर। कौन सा है, पोजिशन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर। पोजिशन आइसोमर में देखोगे जरा तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 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 NH2। क्या हो जाएगा इसका पोजीशन, पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्या CH3 CH CH CH3 पोजीशन लगा दी मैंने कहाँ, यहाँ, इसीलिए मैंने वो हटा दिया था। देखो जरा क्या मिल गया, पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज। पहले कहाँ था, यहाँ पर प्राइमरी कार्बन पर था, अब कहाँ गया, सेकेंडरी कार्बन पर आ गया। अरे कार्बन सेकेंडरी, सेकेंडरी हमारी नहीं है, कार्बन सेकेंडरी है, ध्यान रखना कार्बन सेकेंडरी है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सेकेंडरी अमाइन नहीं है, यही कंफ्यूजन है। यहाँ पर कौन सा है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, लेकिन ये प्राइमरी अमाइन कौन से प्राइमरी कार्बन पर, ये प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी कार्बन पर है। इस बात को समझना, पहले भी मैंने बहुत समझाया इसमें, ठीक है। देखो
दूसरी बात करते हैं, हमें मिल गया क्या, पोजीशन आइसोमर मिल गया। तीसरा हम चलते हैं कौन सा, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर की बात करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3, CH2, 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 ये हो गया NH2। क्या हो गया, CH3 CH2 NH CH2 CH3, ये हो गया। देखो जरा इसको, इसको देखोगे तो ये है आपके पास फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। क्या ये कौन सा है, ये प्राइमरी अमाइन है। ये क्या है, प्राइमरी अमाइन है। ये कौन सा है, ये सेकेंडरी अमाइन है। अमाइन सेकेंडरी है, लेकिन इधर भी प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ है, इधर भी प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ है। तो अमाइन के पास दो एल्काइल ग्रुप है, जबकि इस अमाइन के पास एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो बात समझ में आ गई क्या, ये हो गया हमारे पास तीसरा आइसोमेरिज्म। कौन सा हो गया, तीसरा आइसोमेरिज्म। एक और हम लिख सकते हैं मेटामेरिज्म। क्या लिख सकते हैं, मेटामेरिज्म, मेटा मेरिज्म। कौन सा है, मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2। अब मैं इसलिए लिखना चाह रहा था मेटामेरिज्म को, जैसे आपने अभी लिखा है ना, अभी लिखा है ऐसा, अगर उसमें इसमें इसमें फर्क है क्या, CH3 CH2 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 NH, और इसमें मैंने लिखा था CH3 CH2 NH CH2 CH3। देखो जरा वहां पर तो ये प्राइमरी है, ये क्या हो गया, सेकेंडरी, चेंज हो गया। यहाँ पर देखो ये सेकेंडरी है, लेकिन इसका मेटामेरिज्म कैसे हो जाएगा, CH CH2 NH CH3। तो देखो क्या समझ में आया आपको, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी सेकेंडरी अमाइन है, यहाँ पर भी अमाइन सेकेंडरी है, जबकि वहाँ प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन था, यहाँ पर सेकेंडरी सेकेंडरी है। इधर एल्काइल ग्रुप दो कार्बन का है, डबल कार्बन का, टू कार्बन का, इधर भी टू कार्बन का, लेकिन इधर एल्काइल ग्रुप थ्री कार्बन का, इधर एल्काइल ग्रुप वन कार्बन का है। तो यहाँ पर इसने अपनी मेटामेरिज्म चेंज की है ना। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम किस में डालते हैं, मेटामेरिज्म में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये अपने पास कंप्लीट होता है कौन, आइसोमेरिज्म ऑफ अमाइन। अब हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइन।